करोड़ों जनता की निगाहों में आपको गिरा सकती है। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है और आपने सुनी भी होगी ये बातें। प्रियंका गांधी की चाची मेनका गांधी के ऊपर ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है, जिन्होंने मुस्लिम वोटरों को कड़ी चुनौती देकर उन्हें छोटा समझकर, उन्हें छोटा आंकड़ा समझकर अपने लिए ही गड्ढा खोद दिया, जिसका जवाब हाल ही में हुई एक जनसभा में उन्हें मिला। जब अपना राज्य छोड़ सुल्तानपुर में पारी खेलने आई मेनका गांधी, तो उसे विवादित बयान के बाद मिली चुनाव आयोग से सख्त कार्यवाही के बाद भाजपा के अंदर शर्मिंदा तो होना पड़ा, तो वही इसका फायदा हुआ कांग्रेस को, जो अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को गलत साबित करने के लिए बीजेपी की भूल को पकड़कर उनकी कमजोर कड़ी को जनता के बीच लाने की कोशिश करती है। तो वहीं इसका फायदा उनकी भतीजी प्रियंका गांधी को खासकर हुआ, जो पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थकों को तोड़ने के लिए मेनका गांधी जैसे तमाम भाजपा प्रत्याशियों पर निशाना साधकर लगातार मुस्लिम वोटरों को भटकाती भी नजर आई। तो वहीं आपको बता दें, इस बार मेनका गांधी वरुण गांधी की जगह पर लोकसभा सीट पर उतरी है। उनके सामने कांग्रेस से डॉक्टर संजय सिंह है और बसपा से चंद्रभद्र सिंह है। पिछले चुनाव में वरुण गांधी ने सीट पर 4,10,000 के करीब वोट हासिल कर सांसद बनने की जीत का शानदार जश्न मनाया, लेकिन इस बार उन्होंने ये जगह छोड़ी, जिससे जनता का भरोसा टूटता हुआ नजर आया है भाजपा से। हालांकि उस समय सपा और बसपा अलग अलग थे, जिसका फायदा भाजपा को हुआ। इस बार हालात बदले हुए हैं। सपा बसपा के गठबंधन से चुनावी मैदान पर मेनका के लिए रास्ते अब मुश्किल नजर आ रहे हैं। साल 2014 में दोनों पार्टियों के वोट मिला दे तो बीजेपी से करीब 50,000 से ज्यादा इनके वोट होते। ऐसे में इस बार बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती न सिर्फ कांग्रेस है, बल्कि इस बार कड़ी चुनौती गठबंधन भी है, जिसकी वजह से प्रियंका गांधी का बीजेपी को हराने का लक्ष्य तय करना आसान है। SPN 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।